रुख करते हैं प्रदेश की ओर। सबसे पहले प्रधानमंत्री का मंडी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में भाजपा की विजय संकल्प रैली में चुनावी हुंकार भरी। बतौर प्रधानमंत्री मोदी की मंडी की ये पहली चुनावी जनसभा थी। मोदी ने हिमाचल वासियों से कहा कि वे प्रदेश में 2014-2017 के बाद अब 2019 में चुनावी जीत दिलवाकर हैट्रिक बनाएं। मंडी के पटेल मैदान में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में दुनिया में भारत की ताकत का लोहा मनवाया है। मंडी के पड्डल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को अपनी कर्मभूमि बताया। उन्होंने मंडियाली बोली में कहा कि आज आओ एक बड़ी फ्री तुहांदा आशीर्वाद लेने आया। मोदी ने कहा कि उन्हें हिमाचल के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। हिमाचल ने सदैव ही उनका ख्याल रखा है। उन्हें हिमाचल के किस्से हमेशा याद रहते हैं। मंडी की सेपू बड़ी उन्हें बहुत याद आती है। उन्होंने कहा कि अगली बार आऊंगा तो पैक करके लेके जाऊंगा। मोदी ने कहा कि हिमाचल के लोगों की आत्मीयता मेरे जीवन के साथ है। बोले, हिमाचल के चप्पे चप्पे पर मेरा अधिकार है और हिमाचल के हर इंसान पर प्यार का अधिकार है। मोदी ने कहा कि उन्होंने हिमाचल में पैराग्लाइडिंग सीखी है और हिमाचल की खुश भरी जिंदगी और आसमान की उड़ान का रोमांच भी आज तक नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 मई के बाद रोहतांग टनल का उद्घाटन करने वे बतौर प्रधानमंत्री आएंगे। उन्होंने कहा कि अपने घर में मुझे मान सम्मान मिला है। हिमाचल ने मुझे बेटे की तरह संभाला है। हिमाचल के वरिष्ठ नेताओं की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि इन्हें मुझे उंगली पकड़कर चलना भी सिखाया है। आज आओ एक बारी भी कने बड़ी काशी ते तुसा सभीरा और छोटी काशी से सभी देव देवियां ना आशीर्वाद लेने आएगा। साथियों, मंडी का ये लोकसभा क्षेत्र विराट है। आप बहुत दूर दूर से यहाँ सफर करके आए हैं। आपका ये जोश हम सभी के लिए, आपका ये प्यार मुझे अभिभूत कर देता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हिमाचल के चप्पे चप्पे से लोगों से जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। हिमाचल ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है और इसलिए जब भी आपके बीच आता हूं तो कई पुरानी बातें इससे फिर से याद हो जाती है, उन दिनों में खो जाता हूं। साथियों, जब दिल्ली से चलने वाला था तो मुझे बताया गया कि मंडी में आज मौसम शायद परेशान कर सकता है, बारिश हो सकती है, हेलीकॉप्टर उतरने में परेशानी हो सकती है। तो मैं मन में ऐसे ही सोच रहा था, अफसर लोग मुझे बता रहे थे, लेकिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अगर बिजली महादेव चाहेंगे तो मोदी जरूर पहुंचेगा। भाइयों बहनों, और जब मैं यहां आपके बीच में आऊं और सेबू बड़ी की याद ना आए, ये हो नहीं सकता। खुद आपके सांसद जब भी आते थे तो थोड़ी बहुत लेके आते थे, और जब मैं आ रहा था परिवारों में खाना खाने के लिए जाता था तो जिन जिन घरों में जाता था वो मैंने देखा था कि सेबू बड़ी मुझे बराबर खिलाया करते थे। लेकिन अब अगली बार आऊंगा तो पैक करके ले जाऊंगा। आप सभी चाहते थे कि भारत आतंकी और उनके वाकाओं को सजा दे, चाहते थे ना, चाहते थे ना।
आपके इस चौकीदार ने आपकी आवाज, आपकी भावनाओं की कदर की और अपने वीर जवानों को सीमा पार करके आतंकियों को सजा देने की खुली छूट दे दी। आतंकी जहां ट्रेनिंग ले रहे थे, भारत पर हमले की साजिश कर रहे थे, वहां हमारे वीर जवानों ने घर में घुस करके उनको मारा। यही परिवर्तन भारत की शक्ति में बीते 5 वर्ष में आया है। भाइयों और बहनों, पूरे देश को भारत की शक्ति पर गर्व है, लेकिन कांग्रेस के लोग ये उनको ये पच नहीं रहा है। उनको हमारे देश के वीर सपूतों पर भरोसा नहीं है। साथियों, 2016 में आपने देखा कि हमारे वीर सपूतों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कांग्रेस के नामदार ने पाकिस्तान के बजाय मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। इस साल भी फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के नामदार और उनके राग दबारे फिर एक बार मोदी को गाली देने में जुटे हुए हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी कैसी राजनीति करना चाहते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस कहती है कि अलगाववादियों से बातचीत होनी चाहिए, देशद्रोह का कानून खत्म होना चाहिए, सैनिकों को मिला विशेष अधिकार, एक रक्षा कवच है वो खत्म होना चाहिए।